17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 7.4 एट द एंड ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज, वेयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग सेंसर अपडेट फ्रॉम द लेजर एंड कार्ब एंड ऑल्टीमीटर्स। वी कैन सी द विजुअलाइजेशन ऑफ द लैंडर मॉड्यूल मूविंग टुवर्ड्स द मून सर्फेस। The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer, and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see.
जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट, विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase one. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the lunar हाँ, surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हायरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at